कक्षा 9 गणित। मैं आरएस प्रसाद सर आज आप लोगों को आंकड़ा प्रबंधन व विश्लेषण पढ़ाने जा रहा हूं, जिसकी प्रश्नावली 16.2 है। चलिए देखते हैं प्रश्नावली में क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक उदाहरण 5 है। किसी कक्षा के 16 विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक निम्नानुसार है। अंक की दीर्घा, ये प्राप्तांक है, 10 से 20 है, इसका 1 है, फिर 20 से 30 है, इसकी 4 है, और 30 से 40 की 3 है, 40 से 50 की 2 है, और 50 से 60 की 6 है। इन आंकड़ों के लिए एक आयत चित्र बनाइए। तो सबसे पहले लेते हैं 10 से 20। 10 से 20 यहाँ देखो, 10 से 20 दिखा रखा है, ये 10 है और ये 20 है, इनके बीच में लाइन खींच के आएंगे एक लाइन तक, ये एक लाइन तक पूरा ले जा रहे हैं यहाँ तक का, ये तो ये आपका क्या बन गया, ये 10 से 20 का ये पूरा ग्राफ बन गया आपका। इसके बाद क्या है, 20 से 30 में 4 है, तो देखो 20 से 30 में ये 4 तक ले गए, ये 4 तक खींच लेते हैं इसको पूरा, और इसको पूरा कर लेते हैं यहाँ, ये जो पूरी लाइन दिखाई दे रही है इस लाइन को पूरा मिला लेना होता है। ये लाइन मैंने पहले से खींच रखी है, तो इसको आप लोग लिख करके दिखा सकते हैं। इसके बाद आज ये 20 से 30 हो गया आपका, 30 से 40 में देखो 3 है यहाँ पे दिया हुआ, तो 30 से 40 ये दिखाई दे रहा है आपको, और 3 ये दिखाई दे रहा है, तो ये यहाँ तक की लाइन खींच देनी होती है। इसके बाद नीचे सीधी लाइन लेके आइए, स्केल से लाइन खींचेंगे आप लोग तो ये नीचे तक आ जाएगी लाइन इसकी, तो ये हो जाएगा आपका 30 से 40 का। अब अरे ये 40 से 50 में तो 2 है, देखो 40 से 50 ये दिया हुआ है, इसका 2 ही तक दिखाया हुआ, ये 2 दिखा रखा, तो ये 2 तक की लाइन खींच दी गई है, और फिर स्केल से नीचे की तरफ लाइन ये खींची हुई दिखाई दे रही है आपको, ऐसे ही लाइन आपको खींचनी है इसको। इसके बाद आज ये 50 से 60 में, 50 से 60 में 6 है, तो 6 तक देखो ले गए हैं, ये 6 आ गया, 6 तक इसको बढ़ाया, तो 6 पे पहले एक आयत बना दीजिए, इसकी दोनों लाइनें नीचे खींचनी होगी, ये दोनों लाइनें नीचे ला दी, ये दोनों लाइन नीचे आ रही है, ये हो गई, और इधर से भी इस लाइन को पूरा नीचे खींच देंगे, यहाँ मैंने पहले खींच रखा है तो आपको पहले से ही नहीं खींचना है, मतलब खींच के दिखाना होगा ग्राफ पर। चलिए अब देखते हैं, इधर की तरफ लिखना था प्राप्तांक, और इधर की तरफ क्या लिखना था, विद्यार्थियों की संख्या। ये ऐसे करके हमें लिखना। चलिए आगे चलते हैं प्रश्नावली पे। प्रश्नावली ये है 16.2। इसमें पहला प्रश्न है, निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। नंबर 1 है, एक समावेश श्रेणी में क्या चीज होता है, 2 सीमाएं अलग अलग वर्ग अंतराल में शामिल होती हैं, दोनों सीमाएं एक ही वर्ग अंतराल में होती हैं, तो ये आपको बी ऑप्शन इसका सही है। सी, दोनों परिसीमाएं, दोनों सीमाएं किस वर्ग में होंगी कुछ निश्चित नहीं होता है, और डी है इनमें से कोई नहीं, इसका मतलब डी है हमारा सही, तो डी को आप टिक कर देंगे। दूसरे वाले प्रश्न में, संचयी बारंबारता सारणी के लिए विधि है, कौन सी विधि है, एक से कम और एक से अधिक और उक्त दोनों, ये दोनों ही है हमारे पास, तो दोनों ही आपको लिख लेंगे, एक से कम और एक से अधिक का विधि है, तो ये सी है इसका। नंबर 3 है, आयत चित्र के माध्यम से ज्ञात किया जा सकता है, क्या ज्ञात किया जा सकता है, माध्य ज्ञात किया जा सकता है, आयत चित्र की सहायता से माध्य ज्ञात किया जा सकता है। चलिए थोड़ा सा अगले चलते हैं चौथे प्रश्न पे, संचयी आवृत्ति वक्र से ज्ञात किया जा सकता है, तो माध्यिका ज्ञात होती है संचयी से। इसके बाद आज ये चौथा, आयत चित्र पर आयत की चौड़ाई निर्भर करती है, तो वर्ग की माप पर निर्भर करती है, पहला ही ऑप्शन इसका सही है, तो आप लोग कर लेंगे इसको। चलते हैं प्रश्नों की तरफ, दूसरा प्रश्न भी है। 25 छात्रों में से प्रत्येक द्वारा एक प्रश्न को हल करने में लिया गया समय सेकंड में दिया हुआ, ये है 16, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 20। अब क्या होगा, इसमें क्या कहा है इन्होंने, 10 सेकंड वर्ग अंतराल लेकर के इन आंकड़ों के लिए एक वर्ग बारंबार का सारणी बनाई, तो ये दिखा रखा आपको 10 के लिए, तो 15 से स्टार्ट किया है, तो 15 से 25 हो गया है, फिर 25 से 30 हो गया है, 25 से 35, तो 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65, 10-10 का लिया गया है अंतर। अब इसमें इन सारी चीजों को टैली चिन्ह द्वारा दिखाया गया है, तो 15 से 25 के बीच में केवल 3 ही आ रहे हैं जिनके देख सकते हो आप, ऐसे ही 25 से 35 के बीच में 5 आ रहे हैं, 35 से 45 के बीच में 5 आ रहे हैं, और 45 से 55 के बीच में जो संख्याएं आ रही है वो 8 है, और 55 से 65 के बीच में 4 संख्याएं, आप इनको गिन सकते हैं। अब इनको एक्स एक्स पे और वाई एक्स पे दर्शाना है, तो एक्स एक्स पे तो वर्ग अंतराल चलता है यानी समय चलता है, यहाँ पे ये है समय सेकंड,
और इधर क्या है बारंबारता। चलिए देख लीजिए तो कैसे बनाना है इसको। तो सबसे पहले आयत चित्र बनाएंगे, तो 15 से 25, तो 15 से देखो 15 से 25 तक है, ये कितने तक गया है, 3 तक गया, तो 3 तक आपको ये खींच देना है और इसके मध्य बिंदु को लेना है, ये मध्य बिंदु भी खींच करना है आपको, तो पूरी लाइन नीचे तक भी खींच देनी है आपको। इसके बाद लेना है आप 25 से 35 में 5 है आपका, तो ये 5 तक का ले गया, यहाँ पे देखो 5 खींच दिया गया, तो नीचे तक लाइन खींचनी है और यहाँ पे मध्य बिंदु को लेना है, तो नीचे वाली लाइन ही खींचनी है। इसके बाद आगे चलिए ये है 35 से 45 तक 5 है, तो 35 से 45 तक देखो 5 है, ये यही रहेगा और ये लाइन खींच करके ये बिंदु डी ले लेना है। इसके बाद अब ये 45 से 55 तक 8 है, तो 45 से 55 तक देखो ये 8 हो गया, तो 8 में ले जाकर इसका मध्य बिंदु ई ले। इसके बाद क्या हुआ, अब है इसका 55 से लेके 65 तक, तो 4 लेना है, तो 55 से 65 तक देखो ये 4 आ गया, यहाँ पे ये 4 दिया गया, तो 4 पे ये लाइन खींच दी गई और इसका मध्य बिंदु ले दिया गया, और इधर वाले का भी मध्य बिंदु ले लीजिए और इधर से भी इसका मध्य बिंदु ले लीजिए। अब सभी मध्य बिंदुओं को मिलाना है, तो ये आपको एक स्केल द्वारा मिलाना पड़ेगा, ये स्केल से मिलाना है आपको। इसके बाद सी बी से सी को मिलाना है, सी से डी को मिलाना है, ई से डी को मिलाना है, ऐसे ही ई से एफ को मिलाना है यहाँ पे, फिर एफ को जी से मिलाना है, लेकिन ये स्केल की सहायता से, फिटे की सहायता से मिलाना है, मैं तो हाथ से मिला रहा हूँ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये बहुभुज बन जाएगा। तो यही बताया गया आयत की सहायता से आवृत्ति बहुभुज बनाइए, तो आवृत्ति और इस आवृत्ति की वितरण दर्शाने के लिए आवृत्ति आयत चित्र भी बनाइए, तो आयत चित्र भी बना दिए थे मैंने, और 10 का वर्गमूल लेकर के आंकड़े भी बारंबार दर्शाने, तो आपने भी बारंबार दर्शाने भी बना दी गई है आपको इसी प्रकार से करना। चलिए अब आगे देखते हैं, ये दिया हुआ है किसी पौधे के 30 पत्तियों की लंबाई मिलीमीटर में, सारणी में दी हुई है, ये पत्तियों की लंबाई मिलीमीटर में दिया हुआ है, 111 से 120 है और 121 से 130 है, 131 से 140 है और 141 से 150 है, 151 से 160 है, 160 से 170 है। तो इसमें जरा ये बात जो आती है, इन दोनों में अंतर 20 और 21 में अंतर 1 का है, तो इसका आधा कर देंगे, तो यहाँ ध्यान रखना क्या करेंगे, 121 माइनस 120 और बटे 2 कर देंगे, तो ये 1/2 हो जाएगा, यानी 0.5 हो जाएगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, 111 में से घटाएंगे 0.5, तो ये आ जाएगा 110.5, और इसमें जोड़ देंगे तो 120.5 आ जाएगा, 120 है ये, इसमें प्लस का 0.5 कर देंगे, ये 120.5 आएगा। इस तरह से वर्ग अंतराल बनना चालू हो जाएगा, तो हम वर्ग अंतराल बनाना चालू करते हैं 110.5 से, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 110.5 से कहाँ तक है, 120.5, फिर 120.5 से 130.5, फिर है 130.5 से 140.5, फिर 140.5 से 150.5, देखिए कहाँ तक गया हुआ ये, ये फिर आएगा 150.5 से लेकर के 160.5 और फिर 160.5 से 170.5। ध्यान से देखिए इसमें यहाँ पर 170 तक ही दिया गया है, तो ये सारी बारंबारता लिखनी है, तो बारंबारता क्या है, 3, 5, 7 है, तो लिख दीजिए इसमें, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 5 है और ये 7 है। चलिए और देखते हैं कितनी बारंबारता है, 7 के बाद है 9, 4, 2, तो 9, 4, 2 को भी लिख दीजिए, यहाँ 9 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया। चलिए पूरे प्रश्न को पढ़ लेते हैं, आवृत्ति वितरण को दर्शाने के लिए एक आयत चित्र बनाइए और प्रत्यक्ष विधि से आवृत्ति बहुभुज बनाइए और किस अंतराल की पंक्तियों की संख्या सबसे अधिक है, अधिक होगी तो ये ध्यान से रखना, कौन से 7 जिसकी है उसकी अधिक रहेगी, तो ये संख्या देखिए ध्यान से, किसकी अधिक है, यहाँ 9 वाले की अधिक है, यानी 140.5 से लेकर 150.5। चलिए हम इसको बनाना चालू करते हैं कि ये कैसे आयत चित्र बनेगा, तो हमें पहले यहाँ देना पड़ेगा 110.5 लेना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पर 120.5 लेना पड़ेगा,
फिर यहाँ 130.5 लेना पड़ेगा, फिर यहाँ 140.5, फिर यहाँ पे 150.5, फिर 160.5, फिर 170.5, बस हो गया इसमें। और यहाँ पर जो है पूरे जो संख्याएं लेनी है इसको भी देख लीजिए क्या क्या लेना है। ये यहाँ पे हमने लिया है, यहाँ से चालू किया है, तो यहाँ पर तो जीरो ले लेता हूँ, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा, फिर यहाँ पर चार आ जाएगा, फिर यहाँ पर छह आ जाएगा, फिर यहाँ पे आठ हो जाएगा, फिर यहाँ पे दस हो जाएगा। बस बहुत इतना कुछ, क्योंकि नौ तक ही लेना है तो नौ तक बना लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या होगा, तो सबसे पहले कहाँ तक है, सबसे पहले है तीन तक है, तो तीन तक ले आते हैं। ये है एक दो तीन, यहाँ पे आएगा आपका, तो ये आपको स्केल से खींच के मिलाना है यहाँ तक, और इसको नीचे की ओर मिलाना पड़ेगा आपको, यहाँ से यहाँ से स्केल से मिलाना है, ध्यान रखना अपने आप इसको स्केल से मिलाएंगे। ये आपका आयत चित्र बनता है। इसके बाद फिर है पांच तक, इसको पांच तक ले जाइए, पांच यहाँ है तो पांच तक लेके जाइए, ये पांच है तो इसको पांच तक लेके गए हैं, और इसको बढ़ा दीजिए आगे और इसको फिर नीचे तक लाएंगे। ये स्केल से खींचना है आपको। इसके बाद क्या है, और अब इसके बाद सात है तो इसको सात तक ले जाइए, छह सात यहाँ तक आएगा तो इसको आगे बढ़ा दीजिए सात तक। स्केल से बनाना है बच्चों, ध्यान रखना हाथ से नहीं, ये यहाँ तक मिलाएंगे फिर इसको नीचे तक ले जाते हैं। इसके बाद है आपका 140 से 50 तक के बीच में, देखिए ये 9 है तो 9 तक लेके जाना है, ये 9 तक हो जाएगा आपका, ये यहाँ मिला देना है सीधा, और फिर इसके बाद ये लास्ट तक लेके जाओगे आप यहाँ पे। इसके बाद कितना है, फिर है 4 तक, 50 से 60 के बीच में 4 है, तो चार की लाइन ये आ रही है तो चार वाली लाइन यहाँ मिला देंगे, और फिर ये जो लाइन नीचे तक आ जाएगी। इसके बाद कितना है, दो है तो दो पे लाइन खींच दीजिए, ये दो की लाइन हो गई आपकी, तो ये आपका एक आयत बन जाएगा, ये ध्यान रखना बस, ये आयत हो गया। अब क्या करना है इसमें, एक और चीज पूछी गई है इसके अंदर, ये तो आयत चित्र था, आवृत्ति का बहुभुज बनाना। आयत चित्र तो हमने बना दिया, अब बहुभुज बनाने की बारी है, तो देखते हैं बहुभुज कैसे बनता है। तो बहुभुज के लिए क्या करना है आपको, सभी के मध्य बिंदु लेने हैं। यहाँ पर ये मध्य बिंदु देखिए, यहाँ का मध्य बिंदु हो गया, और यहाँ पर भी मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु है, और ये भी मध्य बिंदु आएगा यहाँ पे, ये मध्य बिंदु और ये मध्य बिंदु और इसका भी मध्य बिंदु। तो नाम यहाँ से चलेंगे लेकर के, ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, यहाँ डी हो गया, और ये ई हो गया, और ये एफ हो गया, और ये जी हो गया, और ये एच हो गया। तो यहाँ पर क्या करना है, इसको सीधी लाइन के द्वारा मिलाना है। चलिए मैं सीधी लाइन से बना मिला करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये लाइन यहाँ से चलेगी और ये यहाँ पर मिल जाएगी, चलिए ये मिल गई है आपकी। इसके बाद फिर दोबारा देखिए, अब ये B से मिलानी है तो ये C तक जाएगी लाइन, C से जो मिलानी है अब D तक जाएगी, और D से जो मिलाएंगे वो E तक जाएगी ये, और E से जो मिलाएंगे वो F तक जाएगी ये। और F से मिलाएंगे तो ये G तक चली जाएगी, और G से मिलाएंगे तो S तक चली जाएगी। ये आपका बहुभुज बन जाएगा, तो इस तरह से ध्यान रखना, ये बहुभुज आपका बन गया है। तो A B C D E F G H बहुभुज होगा। तो देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, तो ये दिया हुआ है प्रत्येक विधि से आवृत्ति बहुभुज बनाए, तो ये आवृत्ति बहुभुज बन जाता है इस तरह से। और किस अंतराल में पत्तियों की संख्या अधिक होगी ये बताना है, तो अंतराल देख लीजिए सबसे अधिक कौन है, ये आपका ई वाला है जिस पर बिंदु आया, ये है 140.5 से 150.5, तो ये यहाँ पर लिख देना है 140.5 से 150.5, ये इसका
आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आपको दिया हुआ है, एक क्रिकेट मैच में दो टीमें हैं, ए तथा बी द्वारा ओवर 60 बॉल में बनाए गए रन दिखा रखे, इन्होंने 1 से 6 तक, ये है 3 है, फिर 7 से 12, 13 से 18, इस तरह करके सारे रन दिए हैं 55 से 60। उन आंकड़ों को एक ही ग्राफ पे करते हैं, आवृत्ति बहुभुज बना, चलिए देखते हैं इसकी आवृत्ति बहुभुज बनेगी कैसे। यहाँ पे वर्गंतराल सतत नहीं दिया हुआ है, तो देखिए ये अंतर देख लेते हैं, यहाँ 6 है ये 7 है, तो क्या करेंगे 7 - 6/2 कर लेंगे, तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 0.5 है, तो इसका अंतराल जो हो जाएगा कितना आ जाएगा, 1 - 0.5 करेंगे तो ये 0.5 हो जाएगा, और 6 + 0.5 लिखेंगे तो ये 6.5 हो जाएगा। तो इस तरह से ये संख्या बदलनी चालू हो जाएगी, तो इस तरह से हम वर्ग अंतराल को बदल लेंगे। कहां तक है, ये 60 तक है, तो मैं बदल के दिखा रहा हूं आपको कितना कितना हो जाएगा। ये यहां पर आपका क्या हुआ, वर्ग अंतराल हो जाएगा, ये वर्ग अंतराल, और यहाँ टीम ए है और यहाँ टीम बी है। चलिए वर्ग अंतराल के लिए मैंने अभी बताया था आपको कितना था, ये था वर्ग अंतराल के लिए अभी जो बताया था मैंने, ये आपका कितना दिया हुआ है 0.5 से लेकर के 6.5 तक, तो चलिए 0.5 से 6.5 तक, फिर 6.5 से लेके 12.5 तक आ जाएगा। एक बार और देख लीजिए, 12.5 तक आ रहा है, कहाँ तक आ रहा है, ये देखिए 12.5 आया, क्योंकि इसमें 5 जोड़ना है 0.5। चलिए अब आगे चलते हैं, जरा ये हमें 60 तक बनाना है, तो 12 के बाद क्या आ जाएगा, 12.5 से कितना हो जाएगा 18.5, फिर 18.5 से 24.5, फिर 24.5 से 30.5, 30.5 से 36.5, 36.5 से 42.5, फिर 42.5 48.5, 48.5 से 54.5, 54.5 से 60.5, और 60.5 से लेकर के कितना हो जाएगा 66.5, जरा देख लेते हैं एक बार और कितने तक करना था उसको, 60 तक करना था केवल, तो चलिए 60 तक हो गया, 60 तक ही रखिए, हम लोग 60 तक ही रखेंगे इसको, तो ये 60 तक का हो गया, इसको छोड़ दीजिए। अब इसमें सभी को लिख लेते हैं जरा क्या क्या आ रहे हैं मान इनके, तो सबसे पहले बारंबारताओं को देखते हैं, तो ये आ रही है बारंबारता, यहाँ पे देखो 2 3 7 8, तो पहले इसको लिख लीजिए, ये आ जाएगा 2 3 7 और 8, इसके बाद देखिए दूसरे में क्या आ रहा है, 8 तक पहुंच गया है, 3 8 5 11, 3 8 5 11, अब 11 के बाद देखते हैं क्या आ रहा है, 6 और 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 6 और 2 और लिख दीजिए, 6 और 2। बी वाले में भी चेक कर लीजिए क्या है, बी वाले में 6 6 1 10, तो यहाँ 6 6 1 और 10 हो गया। इसके बाद दोबारा देखिए 10 तक पहुंच गए, 6 5 3 4, 6 5 3 4, अब 2 और बचे रह गए, इनको भी लिख लीजिए 7 और 11, तो 7 और 11 इसको और लिख लेते हैं, तो यहाँ 7 हो गया और ये 11 हो गया। अब यहाँ पे हमें ग्राफ पेपर पे इन सबको बना के दिखाना है, सबसे पहले वर्ग अंतराल को दर्शाना चालू करते हैं, तो 0.5 से है, चलो यहाँ से लेते हैं 0.5 से लेकर के कितना है 6.5 से, फिर कितना है 12.5 है, 12.5 के बाद 18.5 है, 18 के बाद 24.5 है, 24 के बाद 30.5 है,
30.5 के बाद 36.5 है, 36.5 के बाद 42.5 है, 42.5 के बाद है 48.5 और 48.5 के बाद 54.5 और 54.5 के बाद है 60.5। ये 60.5 क्या है? चलिए अब एक एक को दर्शाना चालू करते हैं। पहले है ए के लिए 2 है, तो पहले यहां पर भी लिख लेते हैं। पहले ये 1 हो गया, फिर यहाँ 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 है, ये 5 है, 6, 7, 8, 9 और 1 के 10, 10 तक ही है, ज्यादा नहीं है। 11 भी है, चलो 11 भी नोट कर लीजिए, जरूरत पड़ेगी तो 12 भी नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 2 है, तो 2 तक ले लीजिए, तो ये आपका 2 तक है, ये 2 तक हो गया, तो इसको 2 तक की लाइन खींच दीजिए। ये हम अभी ए टीम के लिए बना रहे हैं। इसके बाद है 3 तक है, तो 3 तक लाइन ले लीजिए, ये इसको हमने 3 तक बना दिया। ये स्केल से खींचना है। इसके बाद 7 तक जाएगा, तो 6, 7, 7 तक ले जाइए इसको, ये 7 तक बन जाएगा। फिर इसके बाद इसको पूरा आयत बना दीजिए इसका, लेकिन ये स्केल से लाइन खींचनी है बच्चों, ध्यान रखना, मैं केवल हाथ से खींच के दिखा रहा हूँ, आप स्केल से खींचेंगे। इसके बाद है आपका 8 तक है, तो 8 तक ये केवल अगला 1.8 चल जाएगा, केवल ये 8 चला गया, इसको नीचे तक ले जाना है। इसके बाद है 3 तक, 8 के बाद 3 आ गया, तो 3 पे यहाँ आ जाएगा। फिर 8 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद जो है फिर 8 है, तो फिर 8 तक ले जाइए इसको। इसके बाद 5 तक है, तो 5 तक लेके चलते हैं, 5 ये है, तो ये आपका 5 आ गया है। पांच के बाद आता है 11, 11 तक ले लीजिए, तो 11 ये लाइन है 11 वाली, यहाँ पहले पूरा कर लीजिए इसको, फिर नीचे तक बढ़ लीजिए। इसके बाद 6 तक है, तो 6 तक का लेते हैं, ये 6 हो गया आपका, इसको भी नीचे तक मिला देना है। और इसके बाद है आपका 2 तक, तो 2 तक का ले लेंगे, ये 2 लाइन हो गई, 2 तक का लेके हमने इसको पूरा कर दिया। चलिए अब देखते हैं इसका मध्य बिंदु यहाँ पे होगा कहीं, ये A हो जाएगा और ये मध्य बिंदु B हो जाएगा, ये मध्य बिंदु C हो गया, यहाँ पर D हो गया, यहाँ पर E हो गया, इसके बाद यहाँ F हो जाएगा, यहाँ पर G हो जाएगा, ये H हो जाएगा और यहाँ पर आई हो जाएगा, जी एच आई होएगा यहाँ पे। यहाँ पर जे हो जाएगा, यहाँ पर के हो जाएगा और यहाँ पर एल हो जाएगा। अब इन सबको मिला देना है, स्केल से मिलाना है, एक बहुभुज ये बनके तैयार हो गया है। इसके बाद ये जो लाइन दूसरी इस तरह से बनाएंगे आप, बहुभुज आपको ऐसी बनाना पड़ेगा, लेकिन आपको किससे करना है, स्केल से खींचनी है सभी लाइनें। मैं तो हाथ से मिला के दिखा रहा हूँ, लेकिन आप लोग स्केल से मिलाएंगे इसको, ये लाइन मिल जाएगी यहाँ से, ये लाइन आपकी यहाँ से मिल जाएगी और ये लाइन भी यहाँ से मिल जाएगी और ये लाइन यहाँ से मिल जाएगी और ये लाइन आपकी यहाँ से मिल जाएगी, बहुभुज बन जाएगा। ये तो एक बना बहुभुज, अब आपको बनाना है दूसरे वाला बी वाले के लिए। ये तो बहुभुज है किसका, टीम ए के लिए, तो यहाँ ए लिख देंगे आप, तो आगे तक ले जाकर के इसका टीम ए के लिए हो गया। अब टीम बी के लिए जरा चलते हैं, टीम बी के लिए देखते हैं क्या कुछ होगा। अब टीम बी के लिए ले रहे हैं हम, जरा देखते हैं क्या है टीम बी के लिए। टीम बी में है पहले 6 है, तो देखो 6 तक की लाइन खींचेंगे, ये है 6, 6 तक की लाइन खींचनी पड़ेगी आपको, ये लाइन 6 तक की, चलिए इसको 6 तक की लाइन में खींच के दिखा रहा हूँ आपको।
फिर इसके बाद कितना है, 6 के बाद दोबारा 6 है, तो इसमें 6 तक ही लाइन खींचिए इसको भी, और ये नीचे तक मिलाएंगे इसको। इसके बाद 1 है तो 1 की लाइन आएगी, ये 1 की लाइन आ गई। फिर आपका 10 है तो 10 तक लेके जाइए इसको, 10 तक, ये 10 तक है आपका, 10 तक का पूरा मिला दीजिए इसको, और फिर इसको पूरा कर दीजिए यहीं तक, ये इधर से भी आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। इसके बाद 10 के बाद 6 है तो 6 देख लीजिए कहाँ, ये है 6 वाली लाइन, तो 6 वाली लाइन को यहाँ फिर ले लेंगे, इसको फिर से नीचे तक मिला देंगे। अब इसके बाद 5 है तो 5 वाली लाइन ले लीजिए, तो 5 वाली लाइन ये आ रही है, इसको भी मिला दीजिए और नीचे तक ले आइए। इसके बाद कितना है, 3 है तो 3 वाली लाइन ले लीजिए, 3 वाली लाइन ये दिखाई दे रही है, तो 2 है, ये है 3 वाली, तो 3 तक ले जाइए, इसको फिर से नीचे मिला दीजिए, ये 3 लाइन होगी। इसके बाद कितना है, फिर 4 है तो 4 वाली लाइन अगली हो गई, तो इसको ऊपर तक ले लीजिए और यहां से 4 वाली लाइन बना दीजिए। इसके बाद 7 वाली लाइन है तो 7 पे आ जाइए, 7 पे ये है आपका, 7 तक ले जाइए इसको, ये 7 बन गया आपका। बचता है आखिर, आखिर में है 11, तो 11 तक लेके जाइए, तो 11 तक के लिए देखिए कहाँ बैठेगा, ये आपका 11 है तो 11 के लिए ये बना दीजिए इसको, और ये 11 तक का बन जाएगा, ये आपका बन चुका है। अब क्या करना है, इसके मध्य बिंदुओं को ही लेना है, जैसे यहाँ पर एक बिंदु लिया हुआ है, ये बिंदु आ जाएगा इसमें, यहाँ बिंदु आएगा, फिर यहाँ बिंदु आएगा, इसके बाद यहाँ बिंदु रहेगा, फिर इसके बाद यहाँ पर बिंदु आएगा, ये बिंदु यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर इसके बाद यहाँ रहेगा, फिर यहाँ रहेगा, फिर इसके बाद यहाँ आएगा, और फिर लास्ट में यहाँ आने के बाद अपनी जगह उसी जगह पर पहुंच जाएगा। चलिए इसको मिला लेते हैं जरा, तो सबसे पहले इसको यहां से मिलाएंगे, इनका नाम जो है एल एम से दे सकते हो, मान लिया ये एल हो जाएगा यहाँ, इसके बाद एम से ले लेंगे, ये एम हो गया, फिर इसके बाद एन तक ले लीजिए, ये एन हो जाएगा, उसके बाद ओ तक आ जाइए, ये पॉइंट ओ हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे पी हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर क्यू हो जाएगा, ये इसके बाद R हो जाएगा, इसके बाद यहाँ S हो जाएगा, यहाँ से मिलाएंगे तो, इसके बाद यहाँ T हो जाएगा, इसके बाद यहाँ से लेंगे तो ये U हो जाएगा, और इसके बाद लास्ट में मिला देंगे, ये लास्ट में तो पॉइंट वही रहेगा जो पहले से करेगा, एल ही रहेगा। तो ये बहुज बन गया, इसमें टीम को बताना पड़ेगा ये कौन सी टीम का है, ये टीम हमारी बी है, तो ये बी का लिखना है, और ए का मैंने पहले ही लिख दिया था, ये टीम कौन सी थी, ये वाली ए टीम, इसको भी लिख दीजिए, ए टीम यहीं पर दी हुई है, यहाँ मैंने कहीं बीच में लिखा था, ये दिखाई नहीं दे रहा सारा आपको, तो ए और बी दोनों टीम के लिए आईएफएससी का आपका बन गया, बहुभुज भी बन गया है आपका, बहुभुज भी बना सकते हैं। अब आप लोग चलते हैं अगले प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, 100 छात्रों के प्राप्तांक की आवृत्ति वितरण के अनुसार दिया हुआ है, 0 से 10 है, यहाँ पर मैं भी लिख ले रहा हूँ, उपयुक्त आंकड़ों की संचयी बारंबार का वक्र बनाना है, तो यहाँ पर है प्राप्तांक, ये प्राप्तांक है, और यहाँ पर क्या है छात्र संख्या, यानी बारंबार का, बारंबार, और यहाँ पे संचयी बारंबार, चलिए देखिए कैसे बनता है, ये 0 से 10 दिया हुआ है, कितना है यहाँ पे 7, तो 7 यहाँ पर लिख देना है, फिर जो है 10 से 20 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है यहाँ पे 10 दिया हुआ है, तो 10 और 7 हो गया 17, इसके बाद कितना है 20 से 30 है, तो 20 से 30 के बीच में देखिए कितना दिया हुआ है, ये 23 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 23 लिख दीजिए, और 23 में 17 जोड़ दीजिए, 7 और 3 10 हो गया, और 2 और 1 3 और 1 4 हो गया। इसके बाद देख लीजिए 30 से 40 है, 30 से 40 में क्या दिया हुआ है, 51 दिया हुआ है, तो यहाँ पे ले लेते हैं 51, तो 51 इसमें जोड़ दीजिए, तो 1 का 1 रहेगा, 4 और 5 9 हो जाएगा। इसके बाद देखिए
40 से 50 आ जाएगा, तो 40 से 50 को लेके कितनी है, 6 दूरी है, यहाँ पे 6 है, इसमें 51 में 6 जोड़ दीजिए तो 97 हो जाएगा। अब कितना है, 50 से लेकर के 60 तक है, 50 से 60 में लेके कितना है, 3 है, तो ये 3 लिख दिए और ये 3 करके कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखना होता है, नहीं योग लिखना होता है, तो योग लिख दीजिए, योग भी आपका कितना आ गया, यहाँ पे 100 आ गया। ये दोनों संख्याएं बराबर आनी चाहिए, अगर बराबर नहीं होगी तो हमारी संख्या कारोबार का उत्तर भी गलत है। तो हमें क्या करना है, अब बिंदुओं को लेकर के बनाना है, हमें कैसे बनाते हैं, ये शुरू का बिंदु रहेगा और ये 7 रहेगा, ऐसे 7-17 करते हैं 100 तक आपको बनाए। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल के लिए गिन लीजिए कितने हैं, ये 10 होने चाहिए, कितने हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो 6 आराम से बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से बना रहा हूँ, ये देखो 0 है, इसके बाद 10 है, ये 20 है, 30 है, 40 है, 50 है और ये 7, इतना ही बनाना पड़ता है। अब यहाँ पर क्या लेना है, यहाँ पर 0 है और 7 है, तो 0 पे 7 देख लीजिए कहाँ पे, 0 पे 7, तो पहले इनको लिख लेते हैं, 7 पे कितना हो जाएगा, ये बारंबारता कितनी होनी चाहिए, 100 तक जाने चाहिए, तो देख लेते हैं 10, 20, 30 वाली करके, ये तो 10 हो जाएगा यहाँ से, इसके बाद यहाँ 20 हो गया, इसके बाद यहाँ 30 हो गया, फिर यहाँ 40 हो गया और ये 50 हो गया, यहाँ पे 60 हो गया और ये 70 और ये 80, तो 100 तक नहीं पहुंच पाया बच्चों, तो इसलिए क्या करते हैं, फिर दोबारा देना चाहिए। ये अब जो हमने 10, 20, 30 थोड़ा छोटा कर लिया इसका पैमाना, तो ये संख्या बार बार तक चालू कर दी। अब देखो यहाँ पे क्या लेना है, 0 पे 7 लेना, 0 और 7, तो 0 ये है और 7 देखिए कहाँ है, ये हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे लगा के इसको होल्ड कर देंगे और बगल में 0 और 7 लिख देंगे। इसके बाद कितना है, 10 पे कितना है, 17 है, तो 10 यहाँ है, 17 पे चलिए, 17 यहाँ पे ही आएगा, ये रहा 17, तो इस पे लगा के होल्ड कर दीजिए और यहाँ पे 10 पे 17 लिख दीजिए। इसके बाद क्या है, देखिए ये है 20 पर 4 है, 20 पर 4 है, तो देखिए 20 ये है, 20 पे 40 है, तो 40 ले जाइए 20 पे, देखो 20 पे ये 40 यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे बुंदी लगा कर ये गोल करिए और यहाँ 20 पे 40 पे। और इसके बाद देखिए 30 पे कितना है, 91 है, तो 30 ये है आपका, 91 देखो कहाँ जाएगा, ये 90 हो गया, यहाँ पे 90 और 1 91 यहीं पे आएगा, ये कितना हो गया 30 पे 91। इसके बाद 97 है, 6 पे यानी के 40 पे 97, ये क्या हो चुका है, 40 पे 97, 40 ये है, 97 देखिए जरा कितना आएगा, ये यहाँ पे 97 आएगा, तो यहाँ पे लगा दीजिए 40 पे 97, ये आपको बनाना है ऐसे ही। और इसके बाद कितना है, 50 पे 100 पे देखिए, तो 100 इसका कहाँ हो गया, 97 थोड़ा गलत हो गया था, तो उसको सही कर लीजिए, 40 से 97 है और 50 पर कितना है, 100 है, तो 100 पे ले जाइए, तो ये आपका 100 है, तो ये 100 हो जाएगा, ये 50 पर ये 100। अब क्या करना है, इन सबको फ्री हैंडराइटिंग से चलाना है, जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको चलाना है, ऐसे लाइन से आप काफी दे दीजिएगा इसको, ये स्पॉट राइटिंग से लेकर चलना है आपको, और ऐसे चलाना है, ये आपका संचयी बारंबारता होगा, तो क्या कहलाएगा इसको भी लिखेंगे आप, संचयी बारंबारता होगा। इस तरह से संचयी बारंबारता वक्र बनता है। चलिए अब आगे देखते हैं, ये छठा प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी से संचयी बारंबारता सारणी बनाइए। तो पहले तो यहाँ अंक ले लीजिए, यहाँ बारंबारता है और इधर संचयी बारंबारता, चलिए देखिए यहाँ पे वर्ग अंतराल ले लेंगे, ये अंक में 0 से लेके 10 हो जाएगा, 10 से 20 हो जाएगा, 20 से 30 हो जाएगा, 30 से 40 हो जाएगा, 40 से 50 हो जाएगा
50 से 60 हो जाएगा, 60 से 70 हो जाएगा, और 10-80 की तरह चलिए बहुत देखा। अब देखिए 0 से 10 कितने हैं, 3 यहाँ पर, तो यानी कि 10 से कम है, 10 से कम तो यही आएगा, ये 3 हो जाएगा। अब 20 से कम है, यानी यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। अब 20 से कम है, 20 से कम में 8 हो गया, तो 8 तो यहाँ रहेगा, और यहाँ कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा, 5 हो गया। अब इसमें आ जाइए 30 से कम 12 है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो 12 8 4 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसके बाद 50 से 30 40 से कम 19 है, तो यहाँ पर 19 लिखा जाएगा, और यहाँ 7 और आ जाएगा, 12 7 हो जाएगा। इसके बाद है 31, तो 31 यहाँ लिखेंगे, और इसमें जोड़ दिए घटा दीजिए, इसके 11 में से 9 गया 2, और यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया 1, यानी 12 हो जाएगा। अब यहाँ 50 से 60 का है, इसमें कितना है, 42 है, तो देखते हैं ये 42, तो 42 में क्या हो जाएगा, 42 में होगा, इसमें घटा दीजिए 2 में से 1 गया 1 बच जाएगा, और 4 में से 1 3 गया तो 1 ही बचेगा। 42 के बाद आता है 60 यहाँ पे, तो 60 में देख लीजिए 60 यानी 10 में से 2 गया तो 8 बचा, और यहाँ बचा 5, 5 में से 4 गया तो 1 बच जाएगा। ये सच्चाई बार बार का सांड है, इस तरीके से सांड आपको बना देती है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये आपका आखिरी प्रश्न है। नवी के दो समूहों की जांच परीक्षा में प्राप्त अंक का वितरण निम्नानुसार है, ये अब यहाँ वर्गांतराल थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे वर्गांतराल में दोनों तरफ लिख करके दिखा दे रहा हूँ, तो 32 का है, 30 कम हो जाएगा, यानी कि 32 34 से 35 का देख लो कितना अंतर है, ये है 35 माइनस 34, और बटे 2 हो जाएगा, तो 1 बटे 2 यानी कि 0.5 हो जाएगा, तो 32 में से 0.5 घटा देंगे, तो यानी ये हो जाएगा 31.5, और इधर का कितना हो जाएगा 34.5, ऐसे ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 34.5, और इधर 37.5, यहाँ पे 37.5 आएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 40.5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 40.5, और यहाँ पे 43.5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 43.5, और यहाँ पे 46.5, ये 46.5 हो जाएगा, और यहाँ पर 49.5, और यहाँ पे 49.5 होगा, और यहाँ पे क्या होगा 52.5, बार-बार टाइम यही रहेगी, कोई प्रश्न नहीं आएगा। अब ये कह रहे हैं एक ही ग्राफ पेपर प्रत्येक समूह के लिए आवृत्ति बहुगुणा, इसे भी बना के देखते हैं तो कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कितना 31.5 से स्टार्ट करते हैं, तो ये आपका है 31.5, फिर कितना है 34.5, फिर है 37.5, 37 के बाद है 40.5, 40.5 के बाद है हमारे पास 43.5, 43.5 के बाद देखिए क्या है 46.5, 46.5 के बाद देखिए 49.5, 49.5 के बाद है 52.5, ये तो हो गया इसका वर्ग अंतराल, ये क्या हुआ वर्ग अंतराल। चलिए अब इधर देखते हैं क्या है हमारे पास, इधर जो संख्या दी हुई है वो 22 तक दी हुई है, ख्याल से दो दो के अंतर से आ जाने चाहिए, तो देख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ देख लेते हैं 20 आ जाएगा कि नहीं आएगा, दो से स्टार्ट करके देख, तो यहाँ पर तो 2 हो गया, यहाँ पे नहीं आ पाएगा ये, क्योंकि वो 4 का पी किया, तो 4 हो गया, तो इसको 2 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 10 12 14 16 18 19 20 समूह ए के लिए जरा ध्यान रखना, नीचे से बनाना है बच्चों, ध्यान रखना क्योंकि नीचे से संख्या चल रही है,
तो सबसे पहले 13 लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ 13 लेना है, तो यहाँ से लेकर के 13 तक लेके चल रहा हूँ मैं, ये 14 हो गया तो 13 यहाँ पे हमारा। तो देखिए 13 तक का मैं लेके चल रहा हूँ, तो आप लोग इसको 13 तक का 13 तक हो गया। इसके बाद आपका कितना है, अगले में 12 है तो 12 तक ले जाएंगे इसको, तो ये 12 यहीं बीच में आ जा रहा है, तो इसको 12 तक ले गया। उसके बाद है 20 तक, तो 20 तक बढ़ा देते हैं इसको, ये 20 यहाँ है तो 20 तक बढ़ा देते हैं इसको। उसके बाद है 18 तक, तो 18 तक ले जाइए इसको, 18 यहाँ पे आ रहा है तो देखो 18 हो गया इसको। इसके बाद है हमारे पास 15, 15 तक ले जाइए इसको, 15 कहाँ आ रहा है इसको देखो, ये 15 आ रहा है, वीडियो भी दिखते हैं यहाँ पे 15 आ गया इसको। इसके बाद आ रहा है 10, तो 10 पे ले जाइए, 10 की वाली लाइन हमारी, ये 10 तक ले लीजिए इसको। इसके बाद है आपका 4, तो 4 पे ले लीजिए, तो 4 कहाँ पे आएगा, 4 ये दिखाई दे रहा आपका, ये लाइन यहाँ से जाएगी। अब इन सब के मध्य बिंदु ले रहे हैं, ये मध्य बिंदु हो गया, यहाँ पर भी मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु, सबके मध्य बिंदु ले रहे हैं और इन सबको मिलाना है। ये मध्य बिंदु लेंगे, ये बिंदु आपका ए आ गया है, ये बी हो गया है, ए से बी मिला दीजिए, इसके से मिलाना है बच्चों ये। इसके बाद ये सी आ गया है तो बिंदु सी से मिला दीजिए, इसके बाद ये बिंदु डी आ गया है तो बी से मिला दीजिए, फिर ये बिंदु ई आ गया है तो मिला दीजिए, फिर ये बिंदु एफ है एफ से मिला दीजिए, इसके बाद ये बिंदु सी आया है तो सी से मिला दीजिए, ये बिंदु एच है तो एच से मिला दीजिए, और ये बिंदु आई है तो आई से मिला दीजिए। इस तरह से ये बहुभुज बन गया है, लेकिन किसका बना ये समूह ए के रूप, इसको अलग से दो चित्र के रूप के समूह ए। अब चलते हैं समूह बी की तरफ। समूह बी में सबसे पहले 22 है, तो देखिए 22 तक लेके जाना पड़ेगा हमें, तो ये 22 आपका यहाँ पर जा रहा है, ये तो यहाँ पर जा रहा है। इसके बाद है हमारे पास 17, तो 17 तक आ जाइए, 16 ये है, 17 के ठीक ऊपर होगा। इसके बाद है आपका 12, 12 तक ले चलिए, तो 12 ये है आपका। इसके बाद है 14, 14 पे ले चलिए, 14 कहाँ है आपका, इसी के ठीक ऊपर है, तो 14 तक ले चलिए। फिर इसके बाद है आपका 10 है, तो 10 तक ले चलिए इसको, 10 तक ये हो गया आपका, 10 तक ले लिया हमने इसको। फिर आपका कितना है, 9 है, ठीक इसी के आसपास होगा 9, ये यहाँ पे है 9, तो 9 को ले लीजिए इसको से। और इसके बाद है फिर 8, तो 8 को ले लेते हैं, तो 8 इसके बाद इसके बगल में है, ये हो गया। अब इन सब के मध्य बिंदु को मिलाना चालू करते हैं, तो ये बिंदु ए तो था ही, अब यहाँ पर आई के बाद जे आ जाएगा, तो इसको जे से मिला दीजिए ए को, जे के बाद के आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर के है इसको मिला देंगे, उसके बाद यहाँ पे एल है इसको मिला दीजिए, उसके बाद यहाँ पर एम है तो इसको एम को मिला दीजिए, उसके बाद ये एम पे आ जाएगा, फिर ये ओ बिंदु पे आ जाएगा, ये फिर पी बिंदु पे आएगा, और ये फिर लास्ट में ये आई बिंदु पर भी आएगा। तो इस तरह से ये आपका किसके लिए बन गया, ये समूह तो दोनों के आयत चित्रम में बनाते हैं, ये एक ही ग्राफ पेपर पे समूह के लिए एक आवृत्ति बहुभुज, क्योंकि ये आवृत्ति बहुभुज है, इस तरीके से ही बनेगा। ये आपका एक्सरसाइज समाप्त हो गई, एक्सरसाइज के साथ साथ ये आपकी पुस्तक भी समाप्त हुई, एक किताब खत्म हो गई है। और इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज आप लोगों का वीडियो यही समाप्त करता है, समाप्त हो गई है। बेस्ट ऑफ लक।
योर एग्जामिनेशन, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग एग्जामिनेशन अपनी तैयारी अच्छे से करेंगे, मेरे ये लाल रंग के बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, और कम से कम एक लाइक तो बनता ही है, तो इसलिए लाइक भी करने की कोशिश करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।